नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रेणु सुनीता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर 2021 यानी कि आज अपने केदारनाथ दौरे पर हैं। केदारनाथ में पीएम मोदी का ये पांचवा दौरा है। इस दौरान वो मंदिर प्रांगण में पूजा करने के साथ ही आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन भी करेंगे। बता दें कि केदारनाथ में साल 2013 में आई आपदा में आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति को भी नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद अब जाकर उसे दोबारा से बनाया गया है। इसी के साथ प्रधानमंत्री अलग अलग विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे और आज उनके दौरे पर कई विकास कार्यों को लॉन्च भी किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि देश के 12 ज्योतिर्लिंग पर भाजपा के शीर्ष नेता भी आज मौजूद रहेंगे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से केदार घाटी को नई सौगात मिलेगी और साथ ही देवस्थानम बोर्ड से कोई पुरोहित समाज नाराज नहीं है, उन्हें मना लिया गया है और सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। प्रतीक है हमारे, वो पूरा देश मानता है केदार बाबा को, पूरा देश मानता है हमारा, वहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिस्थापित हैं। तो वहाँ कई चीज़ें हो रही हैं और कई योजना वहाँ पर शिलान्यास भी होने वाला। पुरोहित लगातार नाराज नहीं है, मैंने कल भी आपको उत्तर दे दिया था, कहीं से कहीं नाराज नहीं है। परसों इत्तफाकन हो गया है, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि पुरोहितों ने कहा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे वार्ता करके आए हैं, सारे पुरोहित समाज माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने वाले हैं। तो केदारनाथ से जुड़ी इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। नमस्कार।